युधिष्ठिरकृतं दुर्गास्तोत्रम्। पांडव राजा युधिष्ठिर को अपनी पत्नी पांचाली और भाइयों के साथ 12 वर्ष वन में बिताने पड़े और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने भाई दुर्योधन के साथ शतरंज के खेल में हार के कारण अपना राज्य खोना पड़ा था। विराट के राज्य में वे 1 वर्ष तक छिपे रहे और कई कष्टों का सामना करना पड़ा। कुछ ऋषियों ने उन्हें श्री दुर्गा देवी से प्रार्थना करने की सलाह दी ताकि वे उन कष्टों से मुक्त हो सकें जो उन पर आ रहे थे। उन्होंने पांडवों को 27 श्लोकों वाला यह स्तोत्र सिखाया। पांडवों ने उनकी सलाह मान ली और इन श्लोकों को पढ़ते हुए देवी से प्रार्थना की। देवी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप वे कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना और विरोधियों की नज़रों में आए बिना समय बिताने में सक्षम थे। वे प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ अपनी लड़ाई में भी सफल रहे और अपना राज्य वापस जीत लिया। दुर्गा देवी ने पांडवों को यह भी आश्वासन दिया कि जो कोई भी भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे भी पांडवों की तरह आशीर्वाद मिलेगा। युधिष्ठिर कृतम दुर्गा स्तोत्रम ओम श्री गणेशाय नमः। विराट नगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः अस्तु वन्मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीं यशोदा गर्भसंभूतां नारायणवरप्रियां नंदगोपकुले जातां मंगल्यां कुलवर्धनीं कंसविद्रावणकरीं असुराणां क्षयंकरीं शिलातट विनिक्षिप्तां आकाशं प्रतिगामिनीं वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्यविभूषितां दिव्यांबरधरां देवीं खड्गखेटकधारिणीं भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदा शिवां तान् वै तारयसे पापात् पंके गामिव दुर्बलां स्तोतुं प्रचक्रमे भूयः विविधैः स्तोत्रसंभवैः आमन्त्र्य दर्शनाकांक्षी राजा देवीं सहानुजः। नमोस्तु वरदे कृष्णे कुमारी ब्रह्मचारिणी बालार्कसदृशाकारे पूर्णचंद्र निभानने चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे पीनश्रोणिपयोधरे मयूरपिञ्छवलये केयूरांगदधारिणी भासी देवी यथा पद्मा नारायण परिग्रहा स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विशदं तव खेचरी कृष्णक्षविसमा कृष्णा संकर्षण समानना बिभ्रति विपुलौ बाहु शक्रध्वज समुच्छ्रयौ पात्री च पंकजी कंठी स्त्री विशुद्धा च या भुवि पाशं धनुर्महाचक्रं विविधान्यायुधानि च
कुंडलाभ्याम सुपूर्णाभ्याम कर्णाभ्याम च विभूषिता चंद्रविस्पार्धिना देवी मुखेन त्वं विराजसे मुकुटेन विचित्रेण केशबंधेन शोभिना भुजंगा भोगवासेन श्रोणिसूत्रेण राजता विभ्राजसे च बद्धेन भोगे नेवेह मंथरः ध्वजेन शिखिपिञ्छानां उच्छ्रितेन विराजसे कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं पावितं त्वया तेन त्वं स्तूयसे देवी त्रिदशहि पूज्यसेऽपि च त्रैलोक्यरक्षणार्थाय महिषासुरघातिनी प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कुरु शिवा भव जया त्वं विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा ममापि विजयं देहि वरदा त्वं च सांप्रतं विन्ध्ये चैव नगश्रेष्ठे तव स्थानं हि शाश्वतम् काली काली महाकाली सीधुमांसपशुप्रिये कृतानुयात्रा भूतैस्त्वं वरदा कामचारिणी भारावतारे ये च त्वं संस्मरिष्यन्ति मानवाः प्रणमन्ति च ये त्वं हि प्रयाणे तु नरा भुवि न तेषां दुर्लभं किञ्चित् पुत्रतो धनतोऽपि वा दुर्गात्तारयसे दुर्गे तत्त्वं दुर्गा स्मृता जनैः कान्तारेष्वसन्नानां मग्नानां च महर्णवे दस्युभिर्वा निरुद्धानां त्वं गतिः परमानृणां जलप्रतरणे चैव कान्तारेषु अवटेषु च ये स्मरन्ति महादेवीं न च सीदन्ति ते नराः त्वं कीर्तिः श्रीः धृतिः सिद्धिः ह्रिः विद्या सन्ततिर्मतिः संध्या रात्रि प्रभा निद्रा ज्योत्स्ना कांते क्षमा दया नृणां च बंधनं मोहं पुत्रनाशं धनक्षयं व्याधिं मृत्युं वयं चैव पूजिता नाशयिष्यसि सोहं राज्यात् परिभ्रष्टः शरणं त्वं प्रपन्नवान् प्रणतश्च यथा मूर्ध्ना तव देवी सुरेश्वरी त्राहि मां पद्मपत्राक्षी सत्ये सत्या भवस्वनः शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले एवं स्तुता हि सा देवी दर्शयामास पाण्डवम् उपगम्य तु राजानम् इदं वचनमब्रवीत् देव्युवाच शृणु राजन् महाबाहो मदीयं वचनं प्रभो भविष्यति अचिरादेव संग्रामे विजयस्तव मम प्रसादात् निर्जित्य हत्वा कौरववाहिनीं राज्यं निष्कंटकं कृत्वा भोक्ष्यसे मेदिनीं पुनः भ्रातृभिः सहितो राजन् प्रीतिं यास्यसि पुष्कलां मत्प्रसादाच्च ते सौख्यम् आरोग्यं च भविष्यति
ये च संकीर्तयिष्यन्ति लोके विगत कल्मषाः तेषां तुष्टा प्रदास्यामि राज्यमायुः वपुः सुतं प्रवासे नगरे वापि संग्रामे शत्रु संकटे अटव्यं दुर्गकांतारे सागरे गहने गिरौ ये स्मरिष्यन्ति मां राजन् यथाहं भवता स्मृता न तेषां दुर्लभं किंचित् अस्मिन् लोके भविष्यति इदं स्तोत्रवरं भक्त्या शृणुयात् वा पठेत वा तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं यास्यन्ति पांडवाः मत्प्रसादाच्च वः सर्वान् विराटनगरे स्थितान् न प्रज्ञास्यन्ति कुरवः नरा वा तन्निवासिनः इत्युक्त्वा वरदा देवी युधिष्ठिरमरिन्दमं रक्षां कृत्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत। श्रीमन्महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि अष्टमोऽध्यायान्तर्गतम् युधिष्ठिरकृतं श्रीदुर्गास्तोत्रम्। दुर्गा मैया की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी अपने जन्म कुंडली निर्माण और विश्लेषण, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, शांति पाठ आदि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जैसे काल सर्प दोष निवारण, महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8445108265।